तो यहाँ से आप अपना नया पासवर्ड बना लो, जो भी आप बनाना चाहते हैं। ऐसे जैसे आप दोनों सेम पासवर्ड डालोगे तो ये वाला लिंक जो है आपका, यहाँ से ये वाला लिंक जो है रिसेट पासवर्ड का, आपका जो है हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है उस पासवर्ड को लॉगिन कर पाओगे, मतलब जो है क्रिएट कर पाओगे। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए मैंने दोनों सेम पासवर्ड डाले तो यहाँ पर रिसेट पासवर्ड का जो है हाईलाइट हो चुका है। इस पर आप क्लिक कर दो तो आपका पासवर्ड यहाँ से रिसेट हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम को जो है लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, अकाउंट लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आपको जो है आपका ना तो यूजर नेम याद है, ना ईमेल आईडी याद है, ना मोबाइल नंबर याद है, कुछ भी आपको आपके याद नहीं है जिससे आप जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर पाओ, मतलब पुराना अकाउंट था आपके मोबाइल में जब तक चल रहा था ठीक था, जैसे ही आपने मोबाइल रिसेट किया या मोबाइल चेंज किया तो आप उसको जो है लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉगिन कर सकते हो विदाउट फोन नंबर, पासवर्ड और जो है यूजर नेम। तो देखिए आपको क्या करना है, आप जो है पहले तो अपने इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को अपडेट कर लो। उसके बाद जैसे ही आप ओपन करोगे अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करने के लिए, तो ये वाला पेज आपके सामने आएगा, सेम पेज आपके सामने आएगा जो अभी यहां पर आ रहा है। अब देखिए आपको यहां पर कुछ भी याद नहीं है, तो आपको यहां पर क्या करना है, जैसे ना तो यूजर नेम याद है, ना ईमेल एड्रेस याद है, ना मोबाइल नंबर याद है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड मिलेगा, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर ही यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको शो हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर देखिए कैंट रिसेट योर पासवर्ड, कैन नॉट रिसेट भी बोल सकते हो, ये देखिए ये वाला। तो यहीं पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको पूरी सेटिंग मिलेगी, सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आप जो है अकाउंट को रिस्टोर या रीसेट नहीं कर पाओगे। तो देखिए यहाँ से आप कर दो कांट रीसेट योर पासवर्ड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर आपको हेल्प सेंटर में पहुँचा देगा, यहीं पर आपको पूरी सेटिंग मिलेगी, यहाँ से जो है पूरा जो है चीज़ें स्टार्ट होती हैं। देखिए यहाँ पर इसने क्या दिखा दिया आपको, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा देखिए कांट लॉगिन वाला सेक्शन, और यहाँ पर आ गया यूजर नेम एंड पासवर्ड ट्रबल शूटिंग, मतलब हमें पासवर्ड में और यूजर नेम में ही परेशानी हो रही है, वही हमें नहीं मिल रहा है, अगर वो मिल जाए तो लॉगिन ही कर लें। तो देखिए अब आपको यहाँ पर दो तीन चार ऑप्शन मिलते हैं, रिकवर योर इंस्टाग्राम पासवर्ड, व्हाट डू यू इफ यू फॉरगेट योर इंस्टाग्राम यूजर नेम, लिंक्स इन पासवर्ड रीसेट, ईमेल फ्रॉम इंस्टाग्राम आर नॉट वर्किंग, इफ़ यू थिंक योर इंस्टाग्राम अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड। ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो खाली जो है इंस्टाग्राम को लॉगिन करना है, अकाउंट को ही लॉगिन करना है जो भूल गए पुराना है। तो देखिए उसके लिए आपको सबसे ऊपर वाला मिलता है रिकवर योर इंस्टाग्राम पासवर्ड, आप इस पर जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर से दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, इसी का जो है पूरा एक्सपेंड हो जाएगा पूरे ऑप्शन। तो यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए विजिट दिस पेज, ये ही आपको भी मिलेगा, आपको इसी पे जाना है। अब यहाँ पर क्लिक कर दो, अब आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो गया। देखिए वाई कांट योर गेट इनटू योर अकाउंट वाला सेक्शन रीसेट इंस्टाग्राम सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम सपोर्ट और वाई कांट यू गेट इनटू योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आपको यहाँ पर देखिए माई अकाउंट वाज हैक्ड आ गया, आई हैव फॉरगेटन माई पासवर्ड आ गया, चार ऑप्शन इसने दे दिए कि क्या आपको करना है यहाँ से। तो अभी के लिए हमें यहाँ से करना है भाई ये वाला ऑप्शन, ये जो मिलता है ना दूसरे वाला, ये फॉर आई हैव फॉरगेटन माई पासवर्ड, यहाँ से आप इस पर क्लिक कर दो, जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है तो आप इस पर कर दो आई हैव फॉरगेटन माई पासवर्ड। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट वाला बटन मिलता है, फिर नेक्स्ट कर दो। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो इस पेज पर आ गए, तो अब देखिए अब आपको यहाँ पर अपना जो है पासवर्ड नहीं पता है, ना मोबाइल नंबर पता है कौन से, ना ईमेल आईडी पता है किससे चल रहा है। तो अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पर सिंपल अपना जो है यूजर नेम एंटर करो। अब आप कहोगे कि यूजर नेम भी नहीं पता है, तो यूजर नेम पता करने के लिए आपने जिन जिन बंदों को फॉलो करके रखा है या जिसने आपको फॉलो करके रखा है, आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल होगा जरूर जो है, आपने उनको फॉलो करके रखा होगा और उन्होंने आपको फॉलो किया होगा और आपने उनसे चैट भी की होगी। तो आप अपने किसी फ्रेंड से फोन कर लो या देख लो आसपास के फ्रेंड को कि भाई जो है मैंने आपको फॉलो कर रखा है, तो मेरा यूजर नेम एक बार बता दो क्या है जो मेरे अकाउंट का था, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का था। तो डेफिनेटली आपको वहां से आपका यूजर नेम पता चल जाएगा। जैसे मैं अपना यूजर नेम डालता हूं, जो आपका यूजर नेम है आपको डालना है, मैं अभी अपना डालता हूं यहां पर, वो आपका यूजर नेम आपको आपके फ्रेंड से पता चल जाएगा, तो वही आपको यहां पर एंटर करना है। जैसे मैं एक एंटर करता हूं यहां पर, तो देखिए मानने की बात है आपने भी अपना यहां पर यूजर नेम एंटर कर दिया, जैसे मैंने यहां पर डाल दिया ये मेरा यूजर नेम है, मैंने भी किसी से पता किया है, ये मान के चलो आप मैंने किसी से पता किया, अपने फ्रेंड से, अपने फॉलोवर से या किसी से भी, अब मुझे पता चल गया। अब यहां पर एक ऑप्शन मिलता है सेंड लॉगिन लिंक, ये देखिए जो है ब्लू कलर का यहां पर, तो आपको इस पर क्लिक करना है सेंड लॉगिन लिंक पर। तो यहां पर आपकी जिस भी मेल आईडी से आपका अकाउंट जो है ओपन हुआ होगा, ओपन चल रहा होगा, तो उस पर आपको एक रीसेट लिंक जाएगा। जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूं, देखिए यहां पर आ जाएगा सेंड लॉगिन लिंक, या देखिए दिखाता हूं आपको, ये देखिए यहां पर आ गया वी सेंट एन ईमेल टू, इस वाली मेल आईडी पर आपको भी शो हो जाएगा ये मेल आईडी, तो आपके फोन में लॉग
लॉगिन होगी तो उस पर एक लिंक गया है, इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। अब चलते हैं उस मेल आईडी पर जिस पर ये लिंक गया है। वो मेल आईडी आपके फ़ोन में जरूर लॉगिन होगी, क्योंकि जो आपका ही अकाउंट है, आपका ही फ़ोन है, आपकी जीमेल आईडी है, तो आपको जो है अपनी जीमेल आईडी पर आना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी ये मेल आईडी है, यहाँ पर जो है मैं इस पर आ गया अपनी मेल पर। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर आप टाइम भी देख लो, अभी 11:17 हुए हैं और यहाँ पर भी 11:17 की जो है एक मेल आई है। ये देखिए यहाँ पर ऊपर भी आपको शो हो जाएगा, तो ये ही वो मेल है, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया लॉगिन इज एज अजय सैनी 390। यहाँ से आप जो है इसको लॉगिन भी कर सकते हो और आप इसका पासवर्ड भी रिसेट कर सकते हो। आप जो है पहले इसका पासवर्ड रिसेट कर लो, क्योंकि अब आपके पासवर्ड याद हो जाएगा तो आप इसे किसी भी फ़ोन में लॉगिन कर सकते हो आराम से। तो इस पर करो रिसेट योर पासवर्ड, हमने इस पर क्लिक कर दिया देखिए रिसेट योर पासवर्ड पर। तो यहाँ से आप अपना नया पासवर्ड बना लो, जो भी आप बनाना चाहते हैं ऐसे नया पासवर्ड बना के जो है, जैसे आप दोनों सेम पासवर्ड डालोगे तो ये वाला लिंक जो है आपका, यहाँ से ये वाला लिंक जो है रिसेट पासवर्ड का आपका जो है हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है उस पासवर्ड को लॉगिन कर पाओगे, मतलब जो है क्रिएट कर पाओगे। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये देखिए मैंने दोनों सेम पासवर्ड डाले तो यहाँ पर रिसेट पासवर्ड का जो है हाईलाइट हो चुका है। इस पर आप क्लिक कर दो तो आपका पासवर्ड यहाँ से रिसेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड जो है रिसेट कर लोगे और फिर उस अकाउंट को जो है आप यहाँ से लॉगिन कर लोगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आ गया ये अकाउंट, यूजर नेम आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो है इसको लॉगिन कर लेंगे हम आराम से। तो अब वापस से जो है उसी पेज पर आओ जो है लॉगिन वाला पेज था, यहाँ पर जो है अपना यूजर नेम डालो। ऐसे यूजर नेम डाल दिया हमने, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, यूजर नेम डाल देते हैं यहाँ पर ऐसे करके, और ये कर दिया मैंने यहाँ से कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पर वो पासवर्ड मांगेगा, तो जो पासवर्ड हमने अभी यहाँ पर जो है क्रिएट किया है, इसने जो है खुद ही वो पासवर्ड ले लिया, क्योंकि इसी फ़ोन में बना है, इसी मेल आईडी में बनाया, सब कुछ इसी फ़ोन में जो है सेव लॉगिन इन्फो हमने किया था ऑन, तो सेव लॉगिन इन्फो ऑन करके वो पासवर्ड हमारे यहाँ सेव हो गया था, तो इसने ले लिया। तो ये अकाउंट यहाँ से ओपन हो गया, देखिए मैं प्रोफाइल पर जाता हूँ, ये देखिए यही अकाउंट है। तो इस तरह से जो है आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को, किसी भी पुराने से अकाउंट को जो है लॉगिन कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो इस तरह से ये सेटिंग थी भाई, अगर आपको ये सेटिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।